चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, वीडियो अंत तक देखें, कमेंट योर क्वेश्चन आल्सो सो दैट वी कैन आंसर दिस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेकैपिंग मेकअप। मैं डॉक्टर नाजिश हसन, होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी लास्ट अपने कुछ वीडियोस में हम लोगों की जो सीरीज चल रही है वो मार्केटिंग पे ज़्यादा आ गई है, क्योंकि मैंने भी सोचा चलो यार चार पांच टॉपिक को, मार्केटिंग के टॉपिक को जल्द से जल्द थोड़ा कवर अप कर लिया जाए। मैं अभी जो टॉपिक उठाने वाला हूँ इसमें से कई इस बार सवाल आया गया है, और एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सवाल होता है, कई बार इस सवाल में हम लोग फंसते भी हैं, वो है प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी क्या है? मार्केटिंग मिक्स तो पढ़ा है, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों होता है ये, किस लिए होता है? और ये कई बार फाइनेंस में भी होता है, क्योंकि फाइनेंस में भी कई तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं, ये प्रोडक्ट कौन से होते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोडक्ट, रिलेटेड टू ड्यूरेबल प्रोडक्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, कपड़ा, जीन्स, पैंट, टी शर्ट, जो भी है। तो उन सारे प्रोडक्ट्स को लेकर के आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी होता क्या है? जहाँ पर आप प्रोडक्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट में जो बदलाव ला रहे हैं ओवरऑल, उसको कहा जाता है प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अब इसमें कई तरीके के होते हैं, 4, 5, 6 तरीके के मिक्स स्ट्रैटेजीज होते हैं प्रोडक्ट में। कौन कौन से हैं हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग आने वाले कुछ और टॉपिक्स में, अलग अलग टॉपिक्स को भी कवर अप करेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी में वो कौन से 6 टाइप के प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब बेसिकली एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन तो मैंने बताया था आपको। एक्सपेंशन किस में होता है ये बताइए जरा, एक्सपेंशन किस में होता है, शिफ्टिंग किस में होता है, ये मैंने अपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट में बताया था। इंक्रीज किस में होता है, तो इंक्रीज जब भी होता है तो शिफ्ट इन डिमांड का होता है, याद आया? ठीक है, एक्सपेंशन जब भी होगा तो इन जो दैट इज रिलेटेड टू द प्राइस, वो प्राइस की वजह से होता है। वहीं शिफ्टिंग जो होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ये इकोनॉमिक्स के टर्म में था क्योंकि अचानक से दिमाग में वापस रिकॉल कर गया। अब बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स का एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स उसके बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, पोजिशनिंग द प्रोडक्ट, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज जो कंपनी अप्लाई करती है ड्यूरिंग प्रोडक्शन या प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन इस तरीके से करती है। तो बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स का मतलब बेसिकली ये है, इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइन और डेप्थ विद इन द प्रोडक्ट लाइन। अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेप्थ विद लाइन, डेप्थ विद के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है इससे पहले वो होना चाहिए था, बट इसको आप अभी समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइन डेप्थ विथ के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज। इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए ये प्रोडक्ट लाइन किसको कहा जाता है उसको समझने के लिए आपको अगला वीडियो को देखना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि प्रोडक्ट लाइन किसको कहते हैं, विथ किसको कहते हैं, ठीक है, डेप्थ किसको कहते हैं, लाइन विथ डेप्थ, ये सारी चीज़ें किसको कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। खैर, एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना, जैसे कल तक मैं बना रहा था डिटर्जेंट पाउडर, अब मैंने बनाया शैम्पू, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, जो मैंने एक एक्सपेंशन अपने प्रोडक्ट लाइन पे कर लिया, तो इसको कहा जाता है एक तरीके का प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी। एक लाइन को बढ़ाना उसको कहा जाएगा प्रोडक्ट एक्सपेंशन। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स हैपेंस ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन, ऑर्गेनाइजेशन टू क्लेमिंग और एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट सिंपली द प्रोडक्ट लाइन इट्स इज और विच इज लो प्रॉफिटेबल। मतलब बेसिकली जैसे अभी ये जो लॉकडाउन खत्म होगा, जो लॉकडाउन 3.0 चल गया है, इसके बाद कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके डिमांड कंपनी को बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे, अंधे मुँह गिर जाएंगे, क्योंकि ये वैसे प्रोडक्ट होंगे जिस पे कंपनी जो है या कंज्यूमर जो है वो शिफ्ट करेगा उन प्रोडक्ट्स की तरफ जो प्रोडक्ट वो नॉर्मली यूज़ नहीं करता था, आई मीन लो प्राइसिंग प्रोडक्ट के बारे की तरफ वो शिफ्ट करेगा। अब याद करिए मास जहाँ पे है जो वो शिफ्ट कर जाएगा और थोड़ा थोड़ा कंज्यूमर अगर उस पर बचा भी रहता है, आई मीन प्रोडक्शन कॉस्ट अगर 10 रुपया है
और पहले अगर हम 100 यूनिट बेचा करते थे, वहीं अगर 5 यूनिट बिकना चालू हो जाता है या 10 यूनिट बिकना चालू हो जाता है तो हम उस प्रोडक्ट लाइन को बंद कर देंगे। मतलब शैम्पू, जो शैम्पू है, जो शैम्पू मेरा नहीं चल रहा है, डिटर्जेंट पाउडर अच्छा चल रहा है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जो आर एस पी एल ग्रुप का है, ठीक है। अब उसका घड़ी डिटर्जेंट पाउडर तो अच्छा चल रहा है, कंज्यूमर पकड़ रहा है, अगर वो घड़ी शैम्पू ला देता है जो आने वाले टाइम पे कंज्यूमर पकड़ तो लिया, बट इस लॉकडाउन के बाद वो नहीं चल पाता है, तो कम घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जो आर एस पी एल कंपनी है वो अपना प्रोडक्शन शैम्पू का बंद कर देगी। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट क्या है? एडिंग फीचर्स और चेंज इन पैकेजिंग, मतलब कोई खास फीचर डाल देना या पैकेजिंग स्टाइल को बदल देना। ये नॉर्मली आपने देखा भी होगा ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे अबे ये तो अच्छा लग रहा है, ये तो उसमें नहीं हुआ करता था, मतलब आप उससे इंस्पायर हो जाते हैं या उससे वापस जुड़ जाते हैं। ये बेसिकली उसलिए किया जाता है कि जो कंज्यूमर है, नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट किया जाए और पुराने कंज्यूमर को सस्टेन किया जा सके, ठीक है। ये ऑल्टरिंग मतलब बेसिकली बदलाव करना, ऑल्टर चेंजेस, नॉर्मल सा चेंजेस करना, पैकेजिंग में हो सकता है या हो सकता है आपके फीचर्स में कुछ ऐड कर दिया। जैसे आपका फ़ोन है, आप याद करो जब शुरू शुरू में जब फ़ोन लिया करते थे आप, हाँ आप हम सभी, तो ये जो एंड्रॉयड फ़ोन हुआ करते थे, ये बुक्स जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें आपको याद होगा कि पहले आपको हेडफोन नहीं मिला करते थे शायद, कुछ में नहीं मिला करते थे, फिर मिलना चालू हुआ, फिर नहीं मिलना चालू हुआ, अब क्या आया, कवर, अब फ्रंट का कवर देंगे आपको, 5D कवर देंगे, 4D देंगे, बैक कवर देंगे। सो दिस इज एडिंग फीचर ऑन द प्रोडक्ट, ठीक है। पोजिशनिंग और पोजिशनिंग द प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन विद द कॉम्पिटिटर्स विद योर प्रोडक्ट। अब ये सभी कंपनी, आपको पता है ओप्पो और वो वीवो दोनों सेम कंपनी है, दोनों का प्रोडक्शन एक जगह होता है, ब्रांडिंग मार्केट में अलग नाम से होता है। आप हमेशा ध्यान देंगे कि वही वो प्रोडक्ट जो ओप्पो लेके आती है, वीवो उसी से मिलता जुलता प्रोडक्ट लॉन्च करती है विद इन अ वीक, क्योंकि वो सेम हाउस से निकल रहे हैं, सेम घर से निकल रहे हैं। अब बात करते हैं एस एफ सोनिक और एक्साइट बैटरी, बोथ आर द सेम कंपनीज। एस एफ सोनिक स्टैंडर्ड फैब्रिक हुआ, दिस इज एस एफ सोनिक। एक्साइट बैटरी, एक्साइट बैटरी जो है कहा जाता है कि एक साइड एक साइड, बाकी सब दूसरे साइड, बैटरी इंडस्ट्री में ये चलता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली है कि अपने प्रोडक्ट को एक अलग पोजीशनिंग करना, जैसे एक साइड ने कर दिया है, बैटरी लेना है तो एक साइड, ठीक है, ये एक माइंडसेट लोगों का बन गया। या गाड़ी लेना है तो मारुति, या मतलब मारुति एक तरफ या टाटा एक तरफ, मारुति टाटा एक तरफ तो बाकी सबका शेयर जो है एक तरफ है सबको मिला करके। वही बात करते हैं हीरो होंडा, वही स्ट्रैटेजी होती है, वही चीजें होती हैं। सो दिस इज पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन के बारे में बात करेंगे, देन आफ्टर विल बी कमिंग अप टू द वाइंड ऑफ द दिस वीडियो। ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट विद ओल्ड सेम प्राइस, नया प्रोडक्ट देना, ट्रेडिंग अप का मतलब नया प्रोडक्ट ऑफर करना कंज्यूमर को, मतलब बेसिकली अपने पॉकेट में 10, यहाँ पे मैं 10 अगर प्रोडक्ट बेच रहा था, 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 प्रोडक्ट मैंने और ऐड कर लिया, दिस इज ट्रेडिंग अप। एक्सपेंशन में पड़े थे, वही एक तरीके से एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेना। ट्रेडिंग डाउन, ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। मैं आपको इस सीधे तरीके से बताता हूँ, जैसे आपने ट्रेडिंग आपका मतलब आपने नया प्रोडक्ट ऑफर किया सेम प्रीवियस वाले प्राइस पे। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैं मैन्युफैक्चर कर रहा था, इस पेन के साथ जगह पे मैं एक और पेन को ये करता हूँ और इसको मैं ऑफर करता हूँ आपको सेम प्राइस पे। ट्रेडिंग डाउन का मतलब ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, मतलब सस्ते में बेचना, नया प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में बेचना। ट्रेडिंग अप का मतलब नया प्रोडक्ट लेके आए, या नॉर्मली होता क्या है, मोबाइल कंपनी ऐसा कौन सा फीचर लाती है कि उसका मोबाइल रातों रात पुराने वाले से ज़्यादा बेहतर हो जाता है, दिस इज ट्रेडिंग अप। वो कुछ नहीं करती है, बेसिकली वो अपने पुराने प्रोडक्ट से नए प्रोडक्ट को दिखाती है कि दे आर इन्हांस बेटर है, वो ट्रेडिंग अप करती है प्राइस प्राइसिंग पे, या थोड़ा बहुत बढ़ा करके आपको, या बढ़ा करके आपको देती है और डिफ्रेंशिएट करती है कि हाँ मेरा पुराने प्रोडक्ट से मेरा नया प्रोडक्ट बेस्ट है, आप पुराना वाला छोड़ते हो नए की तरफ स्विच करते हो, दिस इज ट्रेडिंग अप। ट्रेडिंग डाउन, ऑफरिंग न्यू प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, वो वहाँ पे दिखाती है कि नहीं उससे सस्ता में हम दे रहे हैं। जैसा कब होता है, आपने देखा होगा खासतौर पर ये मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जब एक कंपनी ओप्पो वीवो या मार्केट में कोई भी कंपनी हो, रियलमी हो, वो
सेम कॉम्पिटिटर या जो मार्केट में जो अलग ब्रांड चल रहा है वो सेम उस तरीके के प्रोडक्ट को ऑफर करेगी आपको ज्यादा सस्ते रेट पे, आप उस पर स्विच करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तो इट मैटर्स, प्राइस मैटर्स। जब सारे फीचर्स हमको सस्ते में दूसरे ब्रांड के साथ मिल गए हैं तो हमने इस पर क्यों जाए, अब वो क्यों जाए, वो ब्रांड लॉयल वाली बात है जो अपने कुछ लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने बात की थी कि लॉयल्टी स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर कौन सा होता है, हार्ड कोर लॉयल स्विच, और मैंने कौन सा बात किया था, हाँ हार्ड कोर लॉयल स्विचर स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब जो तीन चार लोग, स्प्लिट पर्सनालिटी वाला मैंने वर्ड भी बोला था आपको याद होगा, स्विचर की बात की थी मैंने, शिफ्टिंग लॉयल्स की भी बात की थी। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजी। होप आपको क्लियर होगा, इसमें कुछ डाउट हो तो यू मे आस्क यू क्वेश्चन ओवर देयर, कमेंट बॉक्स में डाल दो, और जो नया टॉपिक चाहिए जो भी चीज़ें चाहिए यू मे पुट इट ओवर देयर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, थैंक यू।